This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मल्टीपल मैं क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करूं, तो भाई मैन्युअली हम कर नहीं सकते, तो आप अपने पीसी से कुछ भी चीज उठाकर यहां पर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं 10 लिख लेता हूं, बल्कि यहां पर मैं लिख लेता हूं 50। ठीक है, यहां मैंने 50 लिखा और यहां पर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं और भाई साहब विद इन सेकंड आपके सामने आपके जो 50 क्रोम की प्रोफाइल है वो जनरेट हो चुकी है। अब ये ना समझे कि ये चलेंगे नहीं, देखिए यहां पर मैं आपके सामने किसी एक को ओपन कर लेता हूं और यहां पर देखें आपके सामने सक्सेसफुली चलेगी भाई। यहाँ पर अब आप इसके अंदर YouTube चलाना चाहें या जो मर्जी आप चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं। इस VPN को मैं मजे का क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमें काफी ज्यादा लोकेशन देती है जो और VPN प्रोवाइड नहीं करते। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, यहाँ से क्रॉस करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करें नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर आप लोग देखें भाई साहब इंडिया की लोकेशन मिल रही है हमें, कोई भी और ब्राउजर जो है वो इंडिया की लोकेशन नहीं देता। इंडिया के साथ साथ अगर हम और नीचे करें तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान की भी लोकेशन है, ये आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 16GB रैम की फ्री RDP क्रिएट करना सिखाया था, लेकिन उस RDP के अंदर एक इशू ये भी था कि उस RDP के अंदर आप ना तो क्रोम ब्राउजर यूज कर सकते हो ना ही कोई और ब्राउजर। इंस्टॉल होते हैं लेकिन जब आप उसको यूज करते हो यूज करते करते ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। यह है वो वीडियो जिसके अंदर मैंने ये वाली RDP क्रिएट करने का फुल मेथड आपको बताया था, लेकिन उसके अंदर ये वाला इशू था कि उसके अंदर ब्राउजर क्रैश हो रहे थे। उसके अंदर जस्ट एक ब्राउजर चलता था जो कि विंडो का माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर होता है, जस्ट वो ही स्मूथली चलता है, उसके अलावा कोई और ब्राउजर नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे बहुत से भाई लोगों के कॉमेंट आ रहे हैं इस वीडियो में कि यार जब तक क्रोम नहीं चलेगा तब तक RDP का फायदा ही क्या है फिर। तो यार परेशान ना हो, आज आपको मैं उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। अपने ही एक व्यूअर ने मुझे बताया था, अपने एक सब्सक्राइबर हैं, अपने भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यार इस तरह एक दो सेटिंग है आप वो कर ले फिर आपका ब्राउजर क्रैश नहीं होगा, और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया और बाकी वो तरीका वर्किंग था। अब हमारा जो ब्राउजर है वो क्रैश नहीं हो रहा, तो आज मैं आपको कंप्लीट तरीका बता देता हूँ। उसके अलावा आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट अजूर की भी कुछ अपडेट देनी है वीडियोस की, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कम्युनिटी में आऊँ तो यहाँ पर देखें ये मैंने आपके सामने यहाँ पर पोस्ट लगाई हुई थी कि फाइनली माइक्रोसॉफ्ट अजूर की वीडियोस आने वाली हैं। भाई मैंने अपने वादे के मुताबिक काम स्टार्ट कर दिया था। ये है हमारा सेकंड चैनल जो लर्न इजी वे के नाम से है। जैसे ही मैंने पहली वीडियो अपलोड की भाई साहब कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ गई है, मतलब कि मुझे स्ट्राइक पड़ गई, नवे चैनल पर स्ट्राइक। ना तो मैंने इस वीडियो के अंदर कोई वायलेशन की थी और ना ही कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की अगेंस्ट कोई चीज बनाई थी, लेकिन फिर भी यूट्यूब की मर्जी यार उसने दे दिया, अपील की रिजेक्ट कर दी। तो फिलहाल तो भाई पेंडिंग में जा रहा है वाला मामला। और दूसरी बात ये मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, आपको फ्री क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो वाला मेथड जरा पेंडिंग में है। जैसे कोई लेटेस्ट यह मेथड आएगा मैं आपको उसका जरूर बता दूंगा। तो फिलहाल आप लोग इन फ्री RDP से काम चला लें, ये वाली वीडियो देख लें, लाजमी से जाकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाकर ये वीडियो देखनी है, इसके अंदर कंप्लीट मेथड देख लेना है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है ब्राउजर क्रैश की। यहाँ से हम GitHub को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वही मेरा अकाउंट है भाई, पुराना अकाउंट है ये, मैं उसी पर ही काम करूंगा। ये मैंने पहले ऑलरेडी एक दफा RDP बनाई हुई थी, उसी को मैं यहाँ पर रिन्यू कर लूंगा। ऑलराइट जी, यहाँ पर मैंने रन वर्क फ्लो कर दिया है। ये क्या चक्कर है भाई, किस तरह ये सब कुछ प्रोसेस हुआ है, ये आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, तो जाकर ये बड़ी वीडियो लाजमी से देख लें। फुल एडमिन एक्सेस वाली RDP होगी तकरीबन, तो आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी RDP जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर देखें। ठीक है, तो एक ही बार आपको सेटिंग करनी होती है, बार बार आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब कि आपने एक बार रिपोजिटरी क्रिएट कर ली आप उसको बार बार रिन्यू कर सकते हो। जाकर ये वाली वीडियो लाजमी से आप देख लें, इसमें ये वाला कंप्लीट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये हमारी जो सेटअप है वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम दूसरी अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं, यहाँ पर मैंने ये भी ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं। बस ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये आपका जो सर्वर है वो रेडी हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो रेडी हो चुका है, यहाँ पर देखें सक्सेसफुली लिखा भी आ गया और ये हमारी इस वेबसाइट के अंदर हमें हमारा सर्वर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट पर क्लिक कर दिया। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला सारा मेथड मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इसके अंदर देखें हमारी RDP जो है ओपन हो चुकी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताना है कि जो उनसे ब्राउजर क्रैश हो रहा है ना
उनको किस तरह सेटल करना है अपने। तो यार भाई लोगों को आपसे एक छोटा सा गिला भी करना है, मैंने बार बार आप लोगों को कहा कि यार जब भी आप कोई मेथड देखते हो और वो सक्सेसफुल हो जाए, आपको उससे फायदा मिल जाए, तो काइंडली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर दिया करें यार, डन लिख दिया करें या सक्सेसफुली क्रिएटेड लिख दिया करें, इस तरह के कोई कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि जो न्यू बंदा आ रहा है ना उसको पता लग सके कि इस वीडियो के अंदर आपको जो बताया जा रहा है वो वर्किंग मेथड है, कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं हो रहा। काइंडली ये लाजमी कर दिया करें। वीडियो लाइक का मैं नहीं कहूंगा, आज आपको करना हुआ यार आप लोग खुद ही कर देना, ठीक है। ये हमारी आरटीपी जो ओपन हो चुकी है, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो रेडी है। अब देखें यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है परफेक्टली राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एजेंसी ओवरऑल स्क्रीन ना इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग पर आते हैं। डिस्प्ले सेटिंग पर आने के बाद इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ को, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको कह लेंगे डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मॉनिटर है ना वो भी इसी को सपोर्ट करता है, ये 1080x12 कुछ है मेरे ख्याल से 1280x1024, ठीक है। ये देखें आप, ये स्क्रीन परफेक्ट हो चुकी है मेरी, यहाँ पर आपके सामने देखें। अब यहाँ पर अगर मैं कोई ब्राउजर ओपन करता हूँ ना, तो मुझे चंद मिनट में अगर इस ब्राउजर को चलाऊंगा ना, तो चलते ही चलते ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि हर चीज क्लियर हो, कोई भी आप लोगों को डाउट ना हो। ऑलराइट जी, यहाँ पर हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, और सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं अपनी आरटीपी की। ये जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा ब्राउजर किस तरह क्रैश होता है, और उसके बाद फिर दोबारा से हम इसको यूज करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि फिर ये क्रैश नहीं होगा जस्ट एक सेटिंग ऑन करने के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि काफी ज्यादा हाई स्पीड है इंटरनेट की, लेकिन फिर भी कुछ न्यू भाई लोग होंगे उनको भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से देखें भाई, ये ओलकला की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, न्यू वेबसाइट न्यू टैब में, और ये देखें जहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर लिखा आ जाना, समझ लें कि आपकी इंटरनेट स्पीड जीबी में होगी भाई, उससे कम नहीं होगी। गो पर क्लिक कर देते हैं, तो देख लें भाई 1 GB प्लस है तकरीबन। ये देखें आपके सामने, देखें जो हमारा ब्राउजर है वो क्रैश हो चुका है, ठीक है। अगर हम ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर है ना, ये वाला अगर हम ये यूज करेंगे ना, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपका ब्राउजर क्रैश होगा और ना ही कोई और प्रॉब्लम होगी। इसी तरह हम अगर फायरफॉक्स यूज करते हैं, वो भी क्रोम की तरह क्रैश हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, आपने इसका सलूशन कैसे निकालना, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये आपको टास्क व्यू का ऑप्शन मेरा, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से ना आपने ये जो एक विंडो खुली हुई है इसको आपने कर देना है क्रॉस। सिंपल इज दैट, आपने ये क्रॉस किया। अब आप ब्राउजर चलाएं, जो मर्जी चलाएं, ना तो ये क्रैश होगा ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने इसको क्रोम को अगेन ओपन करता हूँ, यहाँ से गॉट इट पर हम क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसको मैं रिस्टोर कर लेता हूँ, और दोबारा से यहाँ पर इंटरनेट स्पीड हम चेक करेंगे। देखें पहले हमारा जो ब्राउजर था वो क्रैश हो गया था, लेकिन अब क्रैश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ओके जी, यहाँ पर देखें 1.5 GB की ऑलमोस्ट स्पीड आ रही है इंटरनेट की। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैं अपना आईपी एड्रेस चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने वेबसाइट सर्च कर लिया, इसको न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखें ये पक्की बात है अमेरिका की होगी यार। ये देखें यूएसए की हमारी जो आरटीपी की लोकेशन है वो यूएसए की है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ कोई और काम करना चाहते हो आरटीपी के अंदर आप, तो आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट इसके अंदर आप कर लें कोई वीपीएन को इंस्टॉल। सिंपल क्रोम एक्सटेंशन में आके वीपीएन आप सर्च करें, और यहाँ पर आपको मैं एक वीपीएन का बारे में बताता हूँ। ये देखें थोड़ा सा नीचे करें, तो ये देखें अर्बन वीपीएन होगा। इसको आप अपने क्या कहते हैं क्रोम के अंदर एक एड एक्सटेंशन कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। बड़ी मजे की आ रही है वीपीएन, मैंने भी रिसेंटली ही इसको यूज किया, तो ये काफी अच्छा वीपीएन है। यहाँ से हम न्यू टैब ओपन करते हैं, इन दोनों को बंद कर देते हैं। इस वीपीएन को मैं मजे का क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये हमें काफी ज्यादा लोकेशन देती है जो और वीपीएन प्रोवाइड नहीं करते। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, यहाँ से क्रॉस करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करें नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर आप लोग देखें भाई साहब इंडिया की लोकेशन मिल रही है हमें। कोई भी और ब्राउजर जो है वो इंडिया की लोकेशन नहीं देता। इंडिया के साथ साथ अगर हम और नीचे करें, तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान की भी लोकेशन है, ये आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ी मजे की चीज है इस वीपीएन की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं यूएसए पे कनेक्ट करते हैं इसको, हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कितना सेव है। उसके लिए हम एक वेबसाइट सर्च करते हैं, ये वो हर वेबसाइट का नाम है, इसको हमने सर्च किया, और ये देखें आपके सामने ये फ्रंट पर ही हमें मिल जाएगी। इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपका स्कोर है वो 100% होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखें यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है, हमारा जो सिक्योरिटी स्कोर है वो 85% है, ठीक है। इसको 90% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये जो एनोनिमाइजर है ना, ये आपका यस की जगह यहाँ पर आपका नो लिखाना चाहिए, तब आप समझ लें कि आपका जो ब्राउजर है वो सेव है, वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसको हमने कैसे चेक करना है,
थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इसको और थोड़ा स्क्रोल ऑन करते हैं नीचे की तरफ को। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ऊपर जो हमारा टाइम जोन है ना वो अमेरिका का, और नीचे वाला जो टाइम जोन चल रहा है वो इंडिया का, यानी कि जो हमारी आरडीपी की सर्वर का टाइम है ना वो गलत है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको GMT 0600 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9:50 हो रहे हैं और नीचे तकरीबन 11:20 हो रहे हैं, तो हमें इस टाइम को एडजस्ट करना होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर टाइम पर राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट टाइम डेट पर क्लिक करेंगे। याद रहे कि ये देखिए ये कोड मिल रहा है 0-0600। यहाँ से आपने सेट टाइम ऑटोमेटिकली को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये टाइम मिल जाएंगे पूरी दुनिया के, ठीक है। वो था -6-0600। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर वो कौन सा टाइम होगा। ओके जी, यहाँ पर हमें वो टाइम मिल चुका है, देखें 0600 है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखें नीचे टाइम जो हमारा वो अपडेट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना स्कोर जाकर ब्राउजर में, अगेन देखें यहाँ पर वही टाइम आ चुका है, यहाँ पर 9:50 है और यहाँ पर आप देखें 9:53 हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि एनोनिमाइजर गया है या नहीं गया, इसको हम नीचे कर देते हैं। ओके जी, यहाँ पर जो हमारा स्कोर है वो 90+ हो चुका है, बट यहाँ पर जो एनोनिमाइजर है वो नहीं गया। पता नहीं है क्या चक्कर है, टाइम में से सही ठीक नहीं हुआ या फिर और कोई चक्कर हो सकता है इसका। बट यहाँ पर आप देखें कि उस टाइम से मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ और ये ब्राउजर क्रैश नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मल्टीपल मैं क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करूँ, तो भाई मैन्युअली हम कर नहीं सकते। तो आप अपने पीसी से कुछ भी चीज उठाकर यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यार ये देखें ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट अजूर की पहली वीडियो थी, वो बनी हुई है बिल्कुल, मेरी इतनी मेहनत लगी हुई थी और वो जाया हो गई। खैर वो वीडियो पड़ी है, किसी भाई को चाहिए हुई वीडियो तो आप मुझसे मांग सकते हो। इसमें मैंने इडू मेल क्रिएट करना सिखाया था आपको, ठीक है। तो खैर इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने किस तरह क्रोम की मल्टीपल प्रोफाइल जनरेट करनी है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ क्रोम प्रोफाइल जनरेटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अपने क्रोम में लेके चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर लाने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये देखें आपके सामने ये विद इन सेकंड यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, उसके बाद अपलोड कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए आपके सामने अपलोड होकर और यहाँ पर आपके सामने जो आपका क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है वो आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हम जितने चाहें उतने ज्यादा कह लेंगे ब्राउजर की कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बड़ा कर लिया, यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर लिख लेता हूँ 50, ठीक है। यहाँ मैंने 50 लिखा और यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं और भाई साहब विद इन सेकंड आपके सामने आपके जो 50 क्रोम की प्रोफाइल है वो जनरेट हो चुकी है। अब ये ना समझे कि ये चलेंगी नहीं, देखें यहाँ पर मैं आपके सामने किसी एक को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें आपके सामने सक्सेसफुली चलेगी भाई। यहाँ पर अब आप इसके अंदर YouTube चलाना चाहें या जो मर्जी आप चलाना चाहें वो आप चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने क्रोम और YouTube को ओपन कर लिया, यहाँ पर वो सक्सेसफुली ओपन हो भी चुका है। काफी अच्छी स्पीड है इस RDP की भाई लोगों, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। फुल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है अपनी इस वाली वीडियो में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस वाली वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीट मेथड बताया हुआ है, तो जाकर ये वीडियो लाजमी से देखें और आप भी ये वाले RDP से फायदा उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्राउजर है वो भी सही चल रहा है, ना क्रैश हो रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा, सब कुछ परफेक्टली राइट यहाँ पर चल रहा है। अब मैं कितनी देर से यहाँ पर क्रोम को यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताना था कि किस तरह आप क्रोम वगैरह को या ब्राउजर को क्रैश होने से बचा सकते हो। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही था, कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।